हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। पानीपत रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जींद से इस वक्त की बड़ी खबर। कार और रोडवेज बस की आमने सामने की टक्कर हुई। यहां पर हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत की खबर है। पानीपत रोड पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, खबर जींद से। बस के कई यात्री भी इस हादसे में घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। पानीपत से हिसार जा रही थी रोडवेज बस, जब यह हादसा हुआ, यह दुर्घटना घटी। पानीपत रोड पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जींद से इस वक्त की बड़ी खबर। राजेश जागलान हमारे संवाददाता में बता पाएंगे। राजेश, कैसे हुआ यह हादसा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद और सफीदा रोड के बीच गांव है मनोरपुर के लगभग के पास, लोकसभा गांव के पास ही में यह हादसा हुआ है। मैं जींद से कार जो सलेरियो मारुति कार थी वो जा रही थी, और पानीपत और सफीदों की तरफ से बस आ रही थी। हिसार रोडवेज की बस पानीपत से हिसार के लिए जा रही थी। आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई, इसमें ड्राइवर की जो बस चालक है उसकी लापरवाही कुछ बताई जा रही है। आमने सामने की जबरदस्त टक्कर की वजह से जो कार है, कार बिल्कुल ही एक गोल ढांचे के अंदर तब्दील हो गई। उसके अंदर ही जो ड्राइवर साहब बिगाना गांव का महिपाल नामक युवक था, वो उसके अंदर ही फंस गया, और कार को खींचकर लोगों ने बड़ी मुश्किल से मृतक ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर जींद के समालिया अस्पताल में पहुंचाया गया। ये हादसा बड़ा जबरदस्त हुआ, क्योंकि मौके पर ही जो मृतक है, जो महिपाल नामक युवक है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी, कार में कोई और भी सवार था क्या? बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बस और बस ड्राइवर अभी कहाँ हैं? बस ड्राइवर फरार हो गया है, और मौके पर जो बस के अंदर जो सवारियां बैठी थी उनको भी कुछ मामूली सी चोटें आई है। कार के अंदर केवल एक ही ड्राइवर जो कार चालक था महिपाल, वही सवार था। वो जींद से अपने गांव बिगाड़ा में जा रहा था, तो बीच में ही जो दुर्घटना है, जो बस से टक्कर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। जी, रफ्तार का कहर रहा या क्या, कहीं नशे में तो नहीं था बस का ड्राइवर? नहीं, बस का ड्राइवर कोई नशे में नहीं बताया जा रहा है, केवल बस ड्राइवर के जो बस की रफ्तार है वो तेज बताई जा रही है, और थोड़ा बस की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, बस ड्राइवर की वजह। रोडवेज की बस थी, बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन बस ड्राइवर था, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ जा सकता है, चूंकि फरार है। पुलिस क्या कर रही है, किस तरह की कार्रवाई कर रही है और कितनी तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है इस दिशा में? जो पुलिस है, पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जो जींद की जो थाना सदर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई थी। उसके जाने के बाद ही वहां से मौके पर लोगों ने जो कार है, कार की खिड़कियों को तोड़कर ड्राइवर और जो मृतक ड्राइवर था, जो कार का चालक था, उसको निकाला गया। ये जो बस रोडवेज की बस है, ये हिसार डिपो की बताई जा रही है, और पानीपत से ये हिसार ही जा रही थी। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, लौटूंगी राजेश, फिलहाल धन्यवाद।